भागलपुर में शाहकुंड प्रखंड के जितने भी तालाब हैं सभी की मरम्मती का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में अंचल अधिकारी ने कार्रवाई शुरू की है। तालाबों के मरम्मती एवं जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है। अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान भी शुरू किया गया है। उधर कोसी के कटाव से उत्क्रमित हाई स्कूल भवन ढहकर नदी में समा गया है। पहले भी कई स्कूल बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के बिहपुर प्रखंड के इलाके से यह खबर है। हरियो पंचायत के कहारपुर में कोसी के कटाव का कहर जारी है। अहले सुबह खबर मिली कि उत्क्रमित हाई स्कूल का भवन नदी में समा गया। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्याम नंदन सिंह का बताना है कि इसकी जानकारी विभाग के वरीय पदाधिकारी को दी गई है। ग्रामीणों का बताना है कि यहां के लोग अपने घरों को तोड़कर जरूरी सामान के साथ ऊंचे स्थलों पर शरण ले रखे हैं। बाढ़ का कोहराम लगातार जारी है। नए इलाकों में बाढ़ का पानी लगातार प्रवेश कर रहा है। भागलपुर में गंगा की उफनती धारा ने भी हालात बदल दिए हैं। लगातार बाढ़ का फैलाव जारी है। नवगछिया के खरीक प्रखंड क्षेत्र में सुबटिया गंगा की उफनती धारा का प्रकोप जारी है। लगातार वर्षा की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। तमाम तरह के सामानों के साथ लोग ऊंचे स्थलों पर सामान लेकर जमा होने लगे हैं। तंबू बनाकर सड़कों पर लोग रैन बसेरा बना रखे हैं। पशुपालकों को खास तौर से परेशानी हो रही है। पशु चारा नहीं मिल पा रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। खाने के सामान नहीं मिल पा रहे हैं। जरूरी के सामान भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस बीच लगातार प्रशासनिक मदद का इंतजार हो रहा है। नदी में उफान है और नाव पर सवार होकर लोग दियारा में सफर करने पर मजबूर हैं।